दोस्तों, क्या आप किसी को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वजीफे के बारे में जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपकी जो मोहब्बत है, चाहे वो रूठा हुआ प्यार हो, आपके शौहर हो, आपका कोई पुराना प्रेमी हो या पुरानी प्रेमिका हो, वो आपके लिए आपकी मोहब्बत में बहुत ही ज्यादा पड़ जाएंगे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उनको आपसे हो जाएगी। आपसे मिले बिना वो रह नहीं पाएंगे। उनके मन में इतनी ज्यादा तड़प आ जाएगी कि दिन भर में आपसे मिलने के लिए, आपको मैसेजेस करने के लिए, आपका तस्वीर करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देती है, चाहे वो माशूका हो या फिर आपके माशूक हो, कोई भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है, इस वजीफे को करना है। और इस वजीफे को करने का तरीका जो है, उसके लिए आपको उनका एक फोटो चाहिए होगा। तो आप उस शख्स का एक फोटो ले लीजिए जिसमें वो अकेले हो। इस बात का ध्यान रखें, आपको ऐसे ग्रुप फोटो नहीं लेना है, आपको ऐसा फोटो लेना है जिसमें सिर्फ उन्हीं की तस्वीर हो। और उसके बाद पाक साफ होकर अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी ना हो, आपके आसपास में कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो कि आपको पूछे, आपको टोके। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसे आपको सिर्फ जुमेरात के दिन ही करना है। जुमेरात पर जब आप इसे करते हैं, अब कई लोगों को पता नहीं होता कि जुमेरात कौन सी होती है, तो कई लोग सोचते हैं कि शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है तो शुक्रवार की जो रात होगी वो जुमेरात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शुक्रवार से एक दिन पहले यानी कि जब गुरुवार आता है, जो थर्सडे है, थर्सडे की रात को जुमेरात कहा जाता है। तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ जुमेरात को ही करना है। तो रात के समय पाक साफ होकर बैठें और उसके बाद अपने सामने आप फोटो रख लें। फोटो पर आपको दुरूद पाक पढ़ना है, 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अब आप अगर नहीं जानते हैं दुरूद पाक क्या होता है, कौन सा वाला पढ़ें, तो आप सबसे छोटी जो दुरूद पाक है वो पढ़ लें। वो होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 3 मर्तबा आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार पढ़ने के बाद आपको जो मेन, जो इसके अंदर जो वजीफा है वो जरूर पढ़ना है। और उसे पढ़ने से पहले आपको अपना मकसद अपने जहन में और अल्लाह ताला तक पहुंचाना है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आप इस अमल को क्यों कर रहे हैं। ये जो वजीफा है इसे अगर आप पूरी तरह से करते हैं समझ के कि आपका मकसद क्या है, तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी तुरंत मिलता है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई शक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में कि आपके दिमाग में कोई शक चल रहा है, कोई और परेशानी चल रही है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो हमारे वीडियो के टाइटल में भी नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपने नंबर लिख देते हैं, आपको उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, वो हमारे नंबर्स नहीं हैं। हमारे नंबर आपको वीडियो में और हमारे टाइटल में जो दिखेंगे वही होते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई शक है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे भी ये काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अमल की। तो ये अमल पूरा करने के लिए आपने, जैसे कि मैंने बताया, दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने फोटो को सामने रखा, और उसके बाद आपको एक अमल इसके ऊपर पढ़ना है, फोटो के ऊपर। तो आपको बोलना है या करीमो, या करीमो आपको बोलना है, सिर्फ 21 मरतबा आपको बोलना है या करीमो। और उसके बाद जो जिस शख्स का आपने फोटो सामने रखा हुआ है, उनकी फोटो को देखते हुए फोटो के ऊपर आपको फूंक मारनी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस अमल को करने के लिए फोटो होना बेहद जरूरी है, तो फोटो पर आपको फूंकना है 3 मरतबा, और उसके बाद फिर से आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर आपको 3 बार पढ़ना है।
और उसके बाद इस फोटो को आपको संभाल के अपने कमरे में रखना है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये फोटो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर आप इसे छुपा के रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके पास उनका कॉल आएगा। अगर वो आपसे नाराज हैं, आपका नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपकी और उनसे बहुत टाइम की बात नहीं हुई है, तो वो आपको खुद अपने आप अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो उन तक इस अमल के जरिए पहुंच जाएगा। और वो खुद आपको कॉल करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपके प्यार में पड़ जाएंगे, आपके लिए दीवाने हो जाएंगे। तो आप इस अमल को कीजिए, और अगर कोई और आपका सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।